गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने कक्षा 12वीं का 7वां अध्याय स्टार्ट किया था, मानव के विकास के बारे में पढ़ा था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का विकास और परिवार, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य यार धरती पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसमें मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारी चीज़ों के क्रम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जीव की उत्पत्ति, फिर उसमें मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो जीवन की उत्पत्ति का अगर कहा जाए, पृथ्वी पर जीवन कहाँ से आया है, सबसे पहला क्वेश्चन। आज भी एक इस पर अलग अलग अवधारणा है, हर वैज्ञानिक की अपनी अपनी धारणा है, पर जो सबसे ज़्यादा मान अवधारणा रही है उसके बारे में इसमें लिखा है, वो पढ़ते हैं। यह आज भी एक क्वेश्चन है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की, ठीक है, जिज्ञासा मानव में तभी से प्रारंभ हो गई थी जब से उसका, ठीक है, सांस्कृतिक काल विकास हुआ था। यानी यह क्वेश्चन मनुष्य के जहन में तभी उत्पन्न हो गया था जब उसका एक आधारभूत सांस्कृतिक, यानी वह यह सारी चीज़ों को समझने लगा था, अपने आस पास की वस्तुओं को जानने लगा था जब उसका विकास हुआ, तब उसके जहन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि आखिरकार मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, कारण क्या था, इसका पहला जीव कैसे निर्माण हुआ, ये सारे क्वेश्चन क्या हुए, तब से उसके जहन में बनने लगे। तब से क्या हुआ फिर, या तभी विभिन्न धार्मिक एवं विचारधाराओं के माध्यम से इस पर जिज्ञासा के प्रयास किए गए, और सबने अपने अपने मत, विभिन्न धर्म के अनुसार सब धार्मिक गुरुओं ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी। बाद में क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति संबंध में समय समय पर निम्नलिखित परिकल्पना, यानी सबने अपने अपने सिद्धांत दिए। बाद में आता है ऐतिहासिक परिदृश्य, यानी एक ऐतिहासिक सिद्धांत आता है जिसे सबसे पहले विशेष सृजन सिद्धांत कहा गया है। इसी को विशेष सृजन सिद्धांत कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है जीवन के बारे में, जीवन के बारे में क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति एकाएक अथवा क्रमिक अंतराल में एक अधिकृत घटना के फलस्वरूप हुआ है, जो बढ़ने से परे, यानी इसे पंडित नहीं कह जाता। सिद्धांत के समर्थन में जीवन को एक आध्यात्मिक तत्व का एवं आत्मा के रूप में वर्णित करते हैं, और जीवन को एक जो सिद्धांत है इसमें आत्मा के रूप में वर्णित किया, ठीक है, उसका नाम था पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का सृजन, ठीक है, अधिकृत शक्ति ने किया। यानी जो पहला सिद्धांत दिया गया, सबसे पहला सिद्धांत के मनुष्य की उत्पत्ति कैसे, मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ, एक आत्मा है उसके द्वारा, इस प्रकार की परिकल्पना के, और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदारी ईश्वर, इस पृथ्वी पर सारी घटनाएं ईश्वर की इच्छा से हो रही हैं। तो ये सर्वप्रथम सिद्धांत माना गया कि ईश्वर एवं बाइबल, ठीक है, यानी सारे धर्म, जंतुओं में पूर्वज, चौथे दिन सूर्य चंद्रमा तारे, पाँचवें मछलियाँ पक्षी, छठे, ठीक है, अंतिम दिन मानव का निर्माण हुआ, ऐसे दिनों में बांटा गया। छठवें दिन के अंत में आदमी की 12वीं पसली का निर्माण हुआ, ठीक है, फालम सूर्यम का सिद्धांत प्रथम समर्थक थे, यानी इन्होंने अपना, और हिंदू पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा इस संसार की सृष्टि, देवता, मानव एवं दानव की उत्पत्ति, उसके सिर के पक्षियों की उत्पत्ति, छाती से बकरी की उत्पत्ति, मुख से पौधों की उत्पत्ति, उनके बालों से हुए, प्रथम उपयुक्त विचारधारा वैज्ञानिक समर्थन के अभाव में अस्वीकार करते हैं। ये सारी अवधारणाएं धार्मिक अनुसार अवधारणाएं थी, यानी हर धर्म ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी, पर बाद में वैज्ञानिक अवधारणा को क्या सही खारिज कर दिया है कि ऐसी कोई अवधारणा ऐसा नहीं जिसका कोई पीछे सबूत ही नहीं है, यानी कोई सिद्धांत ही नहीं है, किस प्रकार बस मान लिया ईश्वर के आधार पर, तो इन्हें खारिज कर दिया है। फिर क्या होता है बाद में, जब स्वतः जनन सिद्धांत एवं आजीवन जनन का सिद्धांत आता है, इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति आजीवित पदार्थ, यानी इसमें क्या आ गया है सेकेंड बार, स्वतः जनन सिद्धांत या आजीविका जनन, यानी इसमें कहा गया जीव की उत्पत्ति, ठीक है, ऐसे पदार्थ से हुई है जो आजीवित पदार्थ है, और जो यह उत्पत्ति स्वतः जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप हुई है, जिसमें किसी विशेष प्रकार के बल की कोई भूमिका नहीं है। इस विषय में निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए, और इसमें क्या कहा गया कि जीव की उत्पत्ति कोई बाह्य बल या कोई बाह्य ताकत द्वारा नहीं हुआ है। उत्पत्ति सबसे पहले जीव की उत्पत्ति ऐसे पदार्थ से हुई जो आजीवित था, उस आजीवित पदार्थ से जीव की उत्पत्ति हुई। सबसे पहला मत दिया अरस्तु ने, अरस्तु के अनुसार जीवित प्राणियों का जन्म भले ही अपने समरूप प्रजातियों से होता है, परंतु कभी कभी
स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार कृमि, मक्खी, लार्वा, टिड्डे, ठीक है, किल्ली आदि सड़े गले मांस खाद आदि से, इस ईल, मछली, समुद्री कीचड़ से, मेढक, नन, भूमि से, चूहे और सड़े पदार्थों से स्वतः पैदा होते हैं। ये किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा कि कुछ जीवों का निर्माण स्वतः ही पृथ्वी पर होता है, स्वतः ही जीवित वस्तु से नहीं होता है, जिसमें बहुत सी चीज़ें आपके मक्खी है, जिसमें मक्खी का लार्वा, टिड्डा, ठीक है, सड़े गले मांस से उत्पन्न होने वाले, इसके अलावा आपके समुद्र से मछली, चूहे, तो बहुत सी चीज़ों में किन्होंने कहा, जो आपके अरस्तु ने कहा कि इनके द्वारा इनका जन्म हुआ है। पर चेरी बात में क्या होता है, देखिए तारों से निर्मित है, स्वतः जन्म की प्रक्रिया में लाभदायक कपड़ों का भी कार्य रहा। फिर बाद में दूसरे एक वो आते हैं आपके वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है, एपिक्यूरस, ठीक है, इन्होंने 342 से 271 ईसा पूर्व की बात हो रही है, उस समय इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। एपिक्यूरस के अनुसार अनेक प्रकार के कृत्रिम एवं अन्य जंतु, मृदा एवं खाद से उपयुक्त नमी, सूर्य की गर्मी तथा खाद आदि की उपस्थिति में स्वतः पैदा हो जाते हैं। इन्होंने भी कहा कि वातावरण में उपस्थित नमी, सूर्य प्रकाश आदि के कारण मिट्टी से स्वतः ही जीव उत्पन्न होते हैं। फिर जो स्वतः जनन सिद्धांत का विश्वास करने एवं उसे मान्यता प्रदान करने वालों में जो कोपरनिकस थे, इन्होंने सिद्धांत को माना और इसको मान्यता दी। बेकन ने फिर क्या किया, बेकन, गैलीलियो ने, ठीक है, गोएथे, ठीक है, सलीम आदि प्रमुख थे, जो धीरे धीरे 16वीं-17वीं शताब्दी में स्वतः जनन सिद्धांत का प्रयोग सूक्ष्म परीक्षण प्रारंभ किया। और इन्होंने क्या किया, स्वतः जो जनन का था उसका सूक्ष्म परीक्षण किया, और इस परीक्षण के आधार पर क्रम में क्या किया, बेल्जियम के पादप पोषण, बेल्जियम एक देश है, वहाँ के वैज्ञानिक थे, पादप यानी पौधों के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जिन बेबेटेस्ट, ठीक है, बना हेल्पाइड ने यह बताया कि यदि जार में पसीने, जार यानी कांच का एक बर्तन, उसमें क्या क्या, अगर पसीने से भीगे अंदरूनी कपड़े, यानी पसीने से भीगे हुए जो हमारे अंदर के कपड़े हैं, आंतरिक कपड़ों को गेहूं के साथ 21 दिन तक अंधेरे में रखा जाए तो उससे चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, ठीक है, कि इससे चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रयोग की विशिष्ट बात यह थी कि चूहे बयक्स थे, और सीधे चूहे कैसे पैदा होते हैं, बयक्स थे ना कि बच्चे। इस प्रकार 17वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश वैज्ञानिक स्वतः जनन सिद्धांत को ही मान्यता देते रहे। ये स्वतः जनन सिद्धांत की मान्यता, जिसमें जनन का कोई भी आधारभूत सिद्धांत नहीं कहा गया, स्वतः जनन किसके आधार पर, नमी, सूर्य के प्रकाश और वातावरण के अनुसार स्वतः जनन सिद्धांत कहा गया, ठीक है। फिर बाद में आता है जीवोत जनन सिद्धांत, जीवोत जनन यानी जीवित पदार्थ या जीवित वस्तु से ही नए जीव का उत्पन्न होना, यह सिद्धांत आता है। देखिए यह सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति से ही जीव उत्पन्न होते हैं, इसे जीवोत जनन कहा जाता है। सिद्धांत प्रायोगिक या साक्ष्यों पर आधारित है, इसे आजीवित सिद्धांत को पूर्णतः गलत सिद्ध कर दिया, और इसने आजीवित जनन सिद्धांत था उसे क्या किया, पूर्ण रूप से गलत सिद्ध कर दिया। और जीवित जनन सिद्धांत निम्न प्रयोगों द्वारा स्थापित हुआ। पहला, रेडी का प्रयोग, देखिए इटालियन डॉक्टर, ठीक है, फ्रांसिस्को रेडी, इटालियन यानी इटली के डॉक्टर फ्रांसिस्को रेडी थे। इन्होंने 1621 से 1667 के मध्य, इनके वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1668 में स्वजनन सिद्धांत को गलत सिद्ध किया, और रेडी ने मॉस के कुछ जो मांस के कुछ टुकड़ों को पाया और एवं 3 जारों में रखा, जार को, ठीक है, पार्चमेंट कागज से ढक दिया, जब बी को जाली से ढका तथा सी को खुला छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद उन्होंने पाया कि मक्खियों के लार्वा, जो मक्खियों का लार्वा यानी मक्खियां उसमें आती हैं, ब्रीड करती हैं, मक्खियों का लार्वा, ठीक है, गेट केवल सी में उत्पन्न हुए ना कि ए और बी में। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केवल सी में ही मक्खियां पहुंची और मांस तक हो पाई, अर्थात मक्खियों द्वारा मांस पर दिए गए अंडों से
मैगर उत्पन्न हो गए, और जबकि ए बी में मक्खियों से मांस तक ना पहुंच पाने के कारण उसमें रखे मांस के मैगर उत्पन्न नहीं हो सके। इसे देखिए, तो हमने एक सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या करिए, एक तीन जार लीजिए, तीन जार में मांस के टुकड़े रखिए, उन्हें ढकिए और उन्हें एक को खुला छोड़ दीजिए, दो को ढकिए, एक को जाली से, एक को संपूर्ण पे, एक को जाली से, एक में खुला छोड़ दीजिए। तो उसने पाया जो खुला था उसमें मक्खियाँ आई, लार्वा दिया, अंडे से जो कीड़े उत्पन्न हुए तो उसमें जीव की उत्पत्ति उसके आधार पर मानी गई। फिर आपके तो अगले तो क्या रहते स्पेन जी का प्रयोग, स्पेन जी यानी एल बी लेंचरो स्पेन जी, जो लैपे एंजो स्पेन जी थे, जे बी इटली के थे, इन्होंने 1729 से 1799 के मध्य एक इटालियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1767 में सूक्ष्म एवं स्वजनन सिद्धांत के परीक्षण हेतु प्रयोग किए गए। उन्होंने 2 साल फ्लाई इसको में वनस्पति और मांस सूप तैयार किया, और इन्होंने मांस सूप लेकर उन्हें कई घंटों तक खोलाया, और जो सूप बनाया मांस डाला गया उसे खोलाया, और फिर उसे क्या किया, खोला कर किए जाने साफ फ्लास्क और वनस्पति मांस को खोलाया, कई घंटों खोलाया और सील कर दिया, जिससे उन फ्लास्कों के अंदर वायु का आवागमन ना हो सके। फ्लास्कों में रखा सूप कई महीनों तक स्वच्छ रहा। सील हटाकर महीनों बाद सूप की जांच करने में भी सूक्ष्म जीव रहित पाए गए। उनके अनुसार वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीव या उनके बीजाणु या फलकों में प्रवेश पाए जाते हैं तो उपयुक्त नमी एवं भोजन पाकर सूक्ष्म जीवों को जन्म देते हैं। तो इनके अनुसार क्या था, इन्होंने जब प्रयोग किया मांस को क्या किया, बहुत उबाला, उबाल का यानी उसके अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाए, और बहुत उबाल कर उसे पैक कर दिया गया, और कई महीनों बाद उसे खोला तो बिल्कुल सूक्ष्म जीव रहित निकला, सूक्ष्म जीव रहित निकला। इसका कारण क्या था, क्योंकि वह पैक था, कहीं से कोई नमी कुछ भी उत्पन्न नहीं हो तो उसमें कोई जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। तो इसे इसका निकाला जाता है कि वायुमंडल उपस्थित नमी, नमी के कारण, ठीक है, जो या अन्य जीव के कारण जो लार्वा उत्पन्न किया जाता है उसके कारण नए जीव उत्पन्न होने की संभावना होती है सड़े गले स्थान पर या मांस के टुकड़ों पर। तो जे अलग अलग, फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था पास्टर का प्रयोग। इन्होंने पास्टर का प्रयोग, यह पास्टर का प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यह सिद्धांत बड़ा है जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं होगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पास्टर का सिद्धांत पढ़ेंगे, कैसे विकास से संबंधित, जीवन से संबंधित विकास पर इसका पास्टर का सिद्धांत पढ़ेंगे। और भी कोई आपको समस्या विद्यालय में आकर आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।